33 प्रकार के जहरीले वाइपर जाति का ही एक खतरनाक सांप है रैटल स्नेक। रैटल स्नेक के पूंछ पर एक झुनझुना जैसा होता है जो कि इसकी पहचान है। खतरा महसूस होने पर यह अपने पूंछ को हिलाकर आगाह कर देता है। बहुत ही गुस्से वाला और आक्रामक किस्म का सांप है ये रैटल स्नेक। दक्षिण कनाडा और अर्जेंटीना में पाया जाता है ये खतरनाक सांप, लेकिन मेक्सिको की खुली रेगिस्तानी इलाकों में ये सांप भारी मात्रा में देखा जाता है। लगभग पूरे अमेरिका में ये सांप आपको कहीं भी मिल जाएंगे। 2 से 3 मीटर लंबे डायमंड शेप के निशान वाले या अलग अलग तरह के निशान वाले रैटल स्नेक आमतौर पर पूरे अमेरिका में पाए जाते हैं। रैटल स्नेक जिस इलाके का होता है उसी इलाके के रेत और जमीन के रंग से मैच होने वाले रंग के रैटल स्नेक वहां देखे जाते हैं, और यही बात रैटल स्नेक को बहुत खतरनाक भी बना देता है, क्योंकि राह चलते इंसान या शिकार को मालूम ही नहीं चलेगा कि सामने एक रैटल स्नेक उनका इंतजार कर रहा है। टिम्बर रैटल स्नेक पाए जाने वाले सबसे आम प्रजाति है, साथ साथ वेस्टर्न डायमंड बैक और ऐसे 26 प्रकार के रैटल स्नेक पूरे अमेरिका में देखे जाते हैं, जिनमें साइड वाइंडर भी एक है। साइड वाइंडर रैटल स्नेक तकरीबन 2 फीट का होता है और ये अमेरिका के रेगिस्तानों में पाया जाता है। इसके रेंगने के स्टाइल के वजह से ही इसका नाम साइड वाइंडर दिया गया है, और ये रेगिस्तानी इकोसिस्टम के लिए पूरी तरह से डिजाइंड है। आमतौर पर रैटल स्नेक हमला नहीं करना चाहते, लेकिन छेड़े जाने पर बहुत ही खतरनाक हो सकता है, क्योंकि मीलों लंबे फैले रेगिस्तानी इलाकों में अगर एक रैटल स्नेक आपको काट लेता है तो सोचिए आपका क्या हाल होने वाला है। रैटल स्नेक के काटने पर बहुत दर्द होता है और लगभग 5 फीट की दूरी से भी ये काट सकता है। 1 सेकंड में 3 से 5 बार काट सकता है रैटल स्नेक। रैटल स्नेक वाइपर प्रजाति का ही एक इवॉल्व स्पीसी है। इसके सारे मूल लक्षण वाइपर से मिलते जुलते हैं, बाकी के लक्षण सांप के रहने वाले इलाके और उसके क्लाइमेट पर निर्भर करता है। मेक्सिकन वेस्ट कोस्ट रैटल स्नेक सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि इसका जहर दूसरे रैटल स्नेक के मुकाबले में ज्यादा जल्दी शिकार के बॉडी में फैल जाता है और शिकार के नर्वस सिस्टम को नाकाम कर देता है। रैटल स्नेक के आंख और मुंह में हीट सेंसर होते हैं, शिकार के बॉडी की गर्मी को ये लिटरली देख सकते हैं, बाकी सांपों की तरह। इसलिए सांप रात को भी देख और शिकार कर सकते हैं। रैटल स्नेक दिन भर किसी खाई के अंदर या झाड़ के नीचे सोते रहते हैं और रात को शिकार के लिए निकलते हैं। चूहे और छिपकली आदि मुख्य शिकार होते हैं इस रैटल स्नेक के। हर साल अमेरिका में रैटल स्नेक राउंडअप नाम का एक मुहिम चलता है, जिससे तकरीबन 5,000 से 6,000 रैटल स्नेक्स को पकड़कर ले जाके पहाड़ी इलाके में छोड़ दिया जाता है, ताकि बाकी के जानवर और इंसान अपने घरों में सुरक्षित रहें, जो कि वहां के इकोसिस्टम को बैलेंस रखता है। तो ये था आज का वीडियो। आगे भी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और रोचक वीडियोस देखने के लिए डिस्कवरी दुनिया को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा तो अपने घर के पास एक पेड़ जरूर लगाएं। धन्यवाद।